दोस्तों, आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस में। हूँ रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है कोल सैंपलिंग। कोल सैंपलिंग में हमने रेक सैंपलिंग देख लिया है, बाई रेक देख लिए हैं। आज हम ट्रक सैंपलिंग देखने वाले हैं। बाई ट्रक क्या करेंगे, हम सैंपलिंग करने वाले हैं, राइट। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो इसमें हम बहुत सारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम इसमें भी बताएंगे, सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, टाइप्स ऑफ ट्रक, राइट। कई लोग क्या होता है कि कंफ्यूजन रहते हैं, तो ट्रक कितने प्रकार के हैं। जिस प्रकार से हम रेक में बताते हैं कि टाइप्स ऑफ वेगन क्या होता है, इसमें हम क्या बताएंगे, टाइप्स ऑफ ट्रक, ट्रक कितने प्रकार के होते हैं। तो ट्रक केवल दो ही प्रकार के हो सकते हैं, एक तो हाइड्रोलिक वाला हो सकता है, एक डाला बाडी वाला हो सकता है, ठीक है। डाला बाडी वाला क्या होता है, उसको हम हाइड्रोलिक के माध्यम से क्या करते हैं, उठाते हैं। इसमें क्या करना पड़ता है, स्कूप से हमको सिर्फ खाली करना पड़ता है। तो ये दोनों में एक डिफरेंस रहता है, ठीक है। डाला बाडी इन द सेंस क्या होता है, जैसे गाँव में आपने देखा होगा गुजरते हुए, जिसमें धान लोड रहता है, चावल लोड रहता है, राइट, उसको मजदूरों के माध्यम से खाली किया जाता है। और हाइड्रोलिक वाले को खुद मशीन के द्वारा क्या कर दिया जाता है, खाली कर दिया जाता है, राइट। जनरली क्या होता है, जब अभी जितना ज़्यादा कोल का मांग रहता है, उसमें क्या होता है कि हाइड्रोलिक वाला का यूज ज़्यादा होने लगता है कंपेयर डाला बाड़ी के। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टाइप्स ऑफ ट्रक। ट्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो दो ही प्रकार के हैं, राइट। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, रूल। रूल का बात करते हैं, तो हमारे पास रूल एक ही रूल है। इसमें क्या हो जाएगा, FSA, राइट, फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट, राइट। अगर किसी को और इसमें कुछ मॉडिफाई करना है, कुछ करना है, तो इसमें क्या करते हैं, MOU बनाते हैं, राइट, MOU। FSA में ट्रक सैंपलिंग के लिए केवल 6 पॉइंट दिया है, याद रखिएगा, केवल 6 पॉइंट दिया है। 6 पॉइंट में पूरा क्या हो जाता है, प्रोसेस खत्म हो जाएगा, राइट। लेकिन इसमें और कुछ ऐड करना है, तो उसके लिए हमको MOU की जरूरत पड़ेगा। जो खरीद रहा है वो, जो बेच रहा है, जो खरीद रहा है, जो बेच रहा है, और दोनों के बीच में जो सैम्पलिंग करवा रहा है, वो तीनों मिल के एक क्या बनाता है, एग्रीमेंट बनाता है, जिसको हम MOU बोलते हैं, राइट। ये बनाते हैं। अगर ये 6 पॉइंट से कोई खुश नहीं है, इसमें बोलता है कि और कुछ मॉडिफाई किया जाए, तो उस कंडीशन में ये चीज़ लगेगा। तो रूल हमारा क्या हो जाएगा, FSA और MOU, दो ही इसमें काम करने वाला है, राइट, हो गया। उसके बाद हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखने वाले हैं DO नंबर। रोड सेल में जनरली क्या होता है, रोड सेल कहने का मतलब जो बाई ट्रक जाता है, ठीक है, ट्रक के माध्यम से। रोड सेल इसलिए जरूरत पड़ा, अभी देखा जाए तो क्या होता है, जो रेक रहता है, रेक में हमको क्वांटिटी कितना ज़रूरत रहता है, 4,000 क्वांटिटी एक बार में लेना कंपलसरी है। और उसका रेलवे का चार्ज बहुत ज़्यादा है, जो ट्रांसपोर्टिंग चार्ज बहुत ज़्यादा लग जाता है। और कई कई क्या होता है, छोटे पावर प्लांट, नॉन पावर प्लांट में उतना कोयले की ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो और ट्रांसपोर्टिंग का भी एक माध्यम नहीं है उसके पास, या उसके पास रेल पटरी नहीं है। कई ऐसे विभिन्न कारण के कारण से क्या होता है, वो रेल से अपना कोयला नहीं मंगा पाता, इसलिए वो क्या करता है, छोटे से ट्रांसपोर्टिंग यूज करता है रोड्स के माध्यम से, ट्रक, ठीक है, जिसमें उसको क्या करना पड़ता है, ट्रांसपोर्टिंग चार्ज कम करना कम होता है, और जितना कोयले की रिक्वायरमेंट है उतना वो सफिशियंट अपना ले लेता है, ठीक। रोड सेल तो रोड सेल में ही रहते हैं, बाकी आगे हम आपको समझाते रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बाई रोड, ठीक है, रोड के मार्ग से जाता है कोयला लेके, उसी को हम क्या बोलते हैं, रोड सेल बोलते हैं, राइट। तो रोड सेल के माध्यम से क्या करते हैं, कोयला खरीदता है, ठीक है। तो इसमें मैं डायरेक्ट सैंपलिंग बता दूंगा तो आपको कोई समझ नहीं आएगा, मैं आपको एक एक स्टेप करके बताता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि DO नंबर होता है, एक DO नंबर, अब इसका फुल फॉर्म का बात करते हैं तो डिस्पेच आर्डर, राइट। डिस्पेच आर्डर के माध्यम से आप जान सकते हो, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा एक कोल है, ठीक है, ये अलग अलग स्टॉक का, मान लो ये 5,000 टन कोल है, ये 10,000 टन कोल है, ठीक है, ये 20,000 टन कोल है, ये तीन अलग अलग हमारे पास कोल है। मान लो इसका G11 है, इसका G12 है, या इसका G13 है, तीनों कोल अलग अलग क्वांटिटी में, अलग अलग टन में है, ठीक है। तो अब इसको हमको पहचानना है, जैसे कि आप मेरे को पहचानते हो किससे, मेरे नाम से, ठीक है, और ज़्यादा जानना है तो मेरा सर नेम, और ज़्यादा जानना है तो मेरा पिताजी के नाम से। उसी प्रकार हम क्या करते हैं, इसको हम जानते हैं, या कोल इंडिया वाले हमको बताते हैं कि हमारे पास G11 का 5,000 टन है, तो उसको हमको कैसे पहचानना है, तो डिस्पेच आर्डर निकाला जाता है। डिस्पेच आर्डर निकालते हैं, जैसे मान लो इसका डिस्पेच आर्डर क्या हो जाएगा, 4120,
ठीक है, 4120 इसका क्या हो जाएगा, डिस्पेच आर्डर नंबर रहेगा। वो बताएगा कि मेरे पास 412 का डिस्पेच आर्डर नंबर है जिसका ग्रेड क्या है, G11 है, इसमें क्वांटिटी कितना है, 5000। तो ये होता है डिस्पेच आर्डर। तो कोई भी पावर प्लांट वाला खरीदेगा तो ये डिस्पेच आर्डर में जाएगा, तो उसका पूरा डिटेल उसको पता चल जाएगा। फिर इसी डिस्पेच आर्डर को क्या करेगा, वो खरीदेगा, और एक जो डीओ लगेगा जहाँ से सैम्पलिंग होगा उसका पूरा डीओ यही रहेगा। ठीक है, ये पूरा कोयला 5000 का जितना टन है वो पूरे का आईडी क्या रहेगा, हमारे पास आईडी रहेगा 4121। जैसे रेक में हमारा पहचानने के लिए RR नंबर होता है, रेलवे रिसिप्ट नंबर, उसमें बताना भूल गए थे, रेलवे रिसिप्ट नंबर के माध्यम से हमको पता चलता है कि ये किसके लिए जाने वाला है। ठीक है, कि कौन सा डेस्टिनेशन में ये जाने वाला है, किस पावर प्लांट को इंडिविजुअल ये रेक जाने वाला है करके रेलवे डिसाइड करता है, राइट। तो उसी प्रकार हमारे पास डीओ नंबर है, डीओ नंबर से हमको पता चलता है, ठीक है, कि कोयला का क्वांटिटी कितना है, कौन सा ग्रेड का है, और कौन सा डेस्टिनेशन में जाने वाला है, सोर्स इसका क्या है, इतना सारा हमको इसमें पूरा पता चलता है। ठीक है, इसीलिए डीओ नंबर कंपलसरी होता है। ठीक, डीओ नंबर का बात हो गया। अब एक रोड सेल एफएसए में दिया हुआ है कब तक चलता है, तो 6 से 6 चलता है। ठीक है, रोड सेल सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, ये क्या हो जाएगा, एएम में हो जाएगा, और ये शाम को पीएम तक। ठीक, बट क्या होता है, कुछ पावर प्लांट में कोयले की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, इसलिए उसको क्या करना पड़ता है, 24 आवर चलाना पड़ता है, राइट। तो ये क्या होता है, ये एफएसए में तो 6 से 6 दिया है, तो उसके लिए एमयू करते हैं, एमयू बनाते हैं कि भाई हमको 12 0 to 0 आवर, मतलब 24 घंटा हमको लगातार ट्रांसपोर्टिंग चाहिए। इस प्रकार से क्या है, क्योंकि 6 से 6 घंटा मतलब 12 घंटा हो रहा है, 12 घंटा में देख रहा है कि इसका कोयले की आपूर्ति नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो क्या करता है, 24 आवर रनिंग करता है। या कुछ दिनों के लिए क्या होता है, डीओ मान लो 20 दिन के लिए है, 20 दिन में इसको कंप्लीट करना है, इसीलिए क्या करता है, अपना स्पेस बढ़ा देता है, राइट। ये अभी सैंपलिंग के पहले का प्रोसीजर है, आपको जानना जरूरी है कि होता क्या है। जब तक आप नहीं जानोगे तब तक डायरेक्ट जाके सैंपलिंग नहीं कर सकते, ये सब प्रोसीजर आपके काम नहीं आएगा, हो सकता है आपके इंटरव्यू में पूछ दिए। तो इसीलिए आप, हो सकता है कोई भी अलग अलग जॉब में जा रहे हो, तो सबके लिए ये वीडियो काम आने वाला है, राइट। तो हमारे पास क्या हो गया, जो चलता है, जो ट्रक चलेगा, ठीक है, जहाँ से कोल लोड होगा, वो कितना है हमारा ड्यूरेशन, 6 से 6, अगर 24 घंटा करना है तो उसके लिए एक एमयू बनता है, राइट। ये हो गया, उसके बाद हम देखते हैं ग्रेड, बताया ना, जैसे डीओ नंबर, एक डीओ नंबर का ये कितना है, एक डीओ नंबर मान लो G11 का हमारे पास क्या आया, एक डीओ नंबर आया, और दूसरा डीओ नंबर हमारे पास आया G12 का, कोयला G12 है, उसका डीओ नंबर मान लो 4320 है, हम 4120 लिए थे, ये 4320, लेकिन डीओ नंबर अलग है, ग्रेड भी अलग है, तो जब इसका हम सैम्पलिंग करेंगे तो वो भी डिफरेंट डिफरेंट होगा, मतलब सेपरेट सेपरेट हम क्या करेंगे, इसका सैम्पलिंग करेंगे, जब इसका सैंपल प्रिपेयर करेंगे वो भी हमारा क्या रहेगा, सेपरेट सेपरेट रहेगा। G11 का सेपरेट सैंपल बनाएंगे, G13 का, G12 का हम क्या करेंगे, सैंपल सेपरेट बनाएंगे, इसको याद रखिएगा। हो सकता है आप देखेंगे कि लगातार क्या जा रहा है, ट्रक जा रहा है, मतलब वही ग्रेड का होगा, नहीं, अलग अलग ग्रेड का हम कैसे पहचानेंगे, डीओ नंबर के माध्यम से हम पहचानने वाले हैं। तो डीओ नंबर मतलब क्या होता है, डिस्पेच आर्डर या डिस्पेच नंबर, राइट। ये हो गया, फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, हमारे पास ग्रेड हो गया, अब डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन और सोर्स, डेस्टिनेशन जहाँ भेजने वाला होता है और सोर्स जहाँ से खरीद रहा है। जैसे कोल इंडिया में अलग अलग सोर्स, जैसे कि सोर्स कहाँ, कोई एक पर्टिकुलर साइडिंग होता है, साइडिंग का नाम को हम क्या बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं, जैसे कि कोरबा हो गया, कोरबा के अंदर जैसे जूनाडी हो गया, ठीक है, इधर आप जैसे आ गए नागपुर जोन में, तो नागपुर जोन में कोई इंडिविजुअल, कोई WCL होगा, WCL यहाँ चलता है, तो WCL का कोई इंडिविजुअल, जैसे चंद्रपुर साइडिंग है, चंद्रपुर साइडिंग में, और कोई जैसे दुर्गापुर साइडिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, सोर्स हो जाएगा। और जहाँ जा रहा है, जैसे कि किसको जा रहा है, महाजिंग को जा रहा है, वो हमारा डेस्टिनेशन हो जाएगा, सोर्स डेस्टिनेशन, ये दो चीज ये भी आपको याद रखना है। हो सकता है आपको इंटरव्यू से पूछ दे, आप अच्छा रोड सेल आप पढ़े हैं, तो रोड सेल में सोर्स और डेस्टिनेशन क्या होता है, ये चीज को आपको याद रखना है, ये बहुत कॉमन सी बात है, इसको आपको आना चाहिए, राइट। उसके बाद हम क्या देखते हैं, हम कोल का साइज देखते हैं, जो कोल का साइज होता है ये डिस्पेच आर्डर में ही हमको मिलता है, कोल का साइज कितना है करके। तो रोड सेल में जनरली 250 -250 mm और -100 mm, ये दो क्या
हो सकता है, कोल का साइज हो सकता है, राइट। या तो 250 mm कोल का रहेगा जो डिस्पेच ऑर्डर बताएगा कि कोल इंडिया डिसाइड करेगा कि मेरे पास कोल है जिसका साइज 250 mm है, इसका टन इतना है और ये इतना क्वांटिटी में है, अगर आपको लेना है तो ये डिस्पेच ऑर्डर आप लगा सकते हो, राइट। और उसी प्रकार -100 है तो -100 के लिए भी बताएगा कि मेरे पास -100 mm का स्टॉक है, फलाना ग्रेड का है, आप अगर लगाना चाहते हो तो ये किसके लिए रहेगा, पावर प्लांट के लिए ये बताता है, राइट। तो हमारे पास कितना हो सकता है, 2 हो सकता है, 250 mm, 100 mm, ये हमारा डिस्पेच आर्डर नंबर में हमको मेंशन रहता है, एक बिल की तरह आता है, एक डिस्पेच आर्डर जैसे रहेगा, इसमें पूरा क्वांटिटी रहेगा, पावर प्लांट का नाम रहेगा, कौन सा क्वांटिटी, कौन सा ग्रेड का है, कौन सा साइज का है, ये डीओ नंबर कब से स्टार्ट हुआ है, कब तक एंडिंग रहेगा इसका, इस बीच में हमको सैंपल को पूरा उठाना है, नहीं तो हमारा डीओ क्या हो जाएगा, लेप्स हो जाएगा। ये सब इंटरनली बातें हैं, फिर भी आपको आना चाहिए, राइट। यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद जब सैंपलिंग का बात करते हैं तो सैंपलिंग में हम क्या करते हैं, अब सैंपलिंग का स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास एक इंडिविजुअल ट्रक होता है, उसके बाद वो ट्रक को हम हर आठवां ट्रक, जैसे मैं पहला ट्रक ले लिया सैंपल के लिए, फिर मेरे को क्या लेना है, आठवां ट्रक लेना है, याद रखिएगा। अब सबसे पहला मैं पहला सेलेक्ट किया, फिर क्या किया हूँ, आठवां सेलेक्ट किया हूँ, ऐसी हर आठवां में हमको एक सैंपल लेना है। सैंपल का साइज क्या रहेगा, लगभग 35 kg, ठीक है, इसके क्या रहेगा, लगभग 35 kg रहेगा। हमारे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है जिससे हम वजन कर सकते हैं, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, तो 30 से 35 हम एक क्राइटेरिया मान लिए हैं जो FSA में दिया हुआ है, 30 से कितना 35 kg, ठीक है, 30 से 35 kg उठाना है किसमें, स्कूप में। आप एक, हमारे पास स्कूप आता है, बेलचा आता है, जिसको आप 6 बार मारोगे तो लगभग हो जाता है, एक स्कूप में लगभग 5 kg आता है। ये भी एक सवाल हो सकता है कि एक स्कूप में कितना केजी कोयला आता है, तो एक स्कूप मारते हैं तो हमारा अप्रॉक्सीमेटली 5 kg क्या आता है, सैंपल आता है या कोयला निकलता है, ठीक है। अब इसमें जैसे कि हम जहाँ से सैंपल ले रहे हैं वहाँ सैंड स्टोन या शेल आ गया, अगर उसका साइज कितना है, जैसे 250 mm है या 100 mm है या 300 mm है, तो उसको क्या करना है, हटा ना है एमयू के माध्यम से, अलग अलग एमयू रहता है, मैं यहाँ पे अलग बताऊंगा, वहाँ का एमयू अलग रहेगा तो कंफ्यूजन हो जाओगे, राइट। तो वहाँ इंडिविजुअल आपका कोल साइज क्या है, कोल का जो सिंपल लोगे उसका कोल का साइज का कोई इशू नहीं रहता है, लेकिन जो हमारे पास डिस्पेच आर्डर में कोल का जो साइज है उसको आपको याद रखना है, राइट। टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, सैंपलिंग प्रोसेस, राइट। अभी तक मैंने आपको एक ओवरव्यू इंट्रोडक्शन बताया, राइट। अब हमारा काम स्टार्ट होता है, ठीक है। तो क्या होता है, जनरली मैंने बताया है, एक से हमारा पहला रैंडम क्या हो गया, मान लो एक लिए हैं, तो नेक्स्ट रैंडम क्या हो जाएगा, इसमें आप क्या जोड़ दीजिए, 8 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 9, फिर इसमें 8 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 8, हर 8 में क्या करना है, जोड़ना है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इस प्रकार से हमको क्या करना है, सिंपल उठाना है, ठीक है, मतलब हर 8 में हमको एक सिंपल उठाना है। अगर पावर पार्टी और जो कोल इंडिया है, ठीक है, जो कोल इंडिया पावर पार्टी और जो सैंपलिंग करवा रहा है, अगर वो राजी है तो इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। जैसे इसका उदाहरण क्या है, एक कोरबा में साइडिंग है, वहाँ ये फॉलो नहीं होता है, मतलब हम हर 8 में नहीं, मतलब 8 में तो लेना है बट हम कहीं से भी ले सकते हैं, इसमें आपको कंपलसरी एक लिए हो तो 9, 9 उसके बाद फिर 8, ऐसा नहीं। उसमें क्या होता है, जैसे मैं एक ले लिया, इसमें मेरे को 1 से 8 के बीच में एक लेना है, मान लो 2 ले लिया, अब 9 से 16 के बीच में मैं कुछ भी ले सकता हूँ, लेकिन इसमें मैं FSA के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं कर सकता। ये किसके अकॉर्डिंग हो सकता है, MAU के अकॉर्डिंग हो सकता है, ये FSA है। पहले आप रैंडम टेबल के बारे में जानिएगा, फिर आप सिंपलिंग के प्रोसेस में जाएंगे। जब तक आपके पास रूल नहीं है तब तक आप जाके प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकते, राइट। तो हमारे पास क्या है, ये एमयू है, एमयू में क्या बोला गया है, जो जब तीनों पार्टी क्या है राजी है उसी के बाद एमयू बना होगा। तो इसमें क्या होता है, मैं मान लो इसमें 1 से 8 में 2 ले लिया, फिर 9 से 16 में मान लो मैं कितना ले लिया, 12 ले लिया, लेकिन FSA का अकॉर्डिंग ऐसा मैं नहीं कर सकता, ठीक है। FSA में मैं अगर 2 लिया हूँ तो 8वां नंबर मेरा कितना हो जाएगा, 10 रहेगा, लेकिन मैं यहाँ पे कितना ले लिया, 12 ले लिया, राइट। तो ये किसके अकॉर्डिंग पॉसिबल है, ये एमयू के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल है, और ये किसके अकॉर्डिंग है, ये FSA के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर रैंडम टेबल हो गया तब हम जाके क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं, उसके बाद जाके सैंपलिंग करते हैं। तो देखो, ये मान लो हमारे पास क्या है, एक ट्रक है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास
एक ट्रक, ट्रक जैसा दिख रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक हीप होता है इस प्रकार से। ये हमारे पास क्या है, एक ट्रक है। ट्रक में क्या होता है, जब कोयला लोड होता है, तो एक हीप बन जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, टॉप ऑफ हीप बोलते हैं, ठीक है। इसी से आपको क्या करना है, सिंपल लेना है। इसमें ए बी सी हीप नहीं होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसमें ए बी सी हीप नहीं होता है, इसमें केवल टॉप वेगन से लेना है, टॉप ऑफ द वेगन से, ठीक है। जो यहाँ पे एक ऊपर हीप बन जाएगा, वहीं से हमको क्या करना है, सिंपल कलेक्ट करना है। इसमें ए बी या एक दो तीन कुछ ऐसा नहीं होता है, एफएसए में क्लियरली लिखा हुआ है, राइट। आप एफएसए पढ़ के देखेंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा, इसमें केवल क्या है, टॉप ऑफ द वेगन या एकदम ऊपर में जो टॉप हीप बना है उसी से हमको सिंपल लेना है। अब सिंपल लेने का प्रोसीजर क्या क्या है, तो इसमें क्या करना है आपको, सेम 50 बाई 50 क्या करना है, सरफेस को क्लियर करना है। 50 बाई 50 सेंटीमीटर क्या करना है, आपस में क्या करना है, सरफेस को क्लियर करना है। ये सरफेस को मैंने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। फिर इसको क्या करते हैं, 25 सेंटीमीटर, 25 × 25 सेंटीमीटर क्या करना है, इसको डीप करना है, गड्ढा करना है। अब गड्ढा करने के बाद मेरे पास ये पूरा ये हो गया प्रोसीजर, उसके बाद मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 30 से 35 kg सैंपल लेना है। कहाँ से, थी यहीं से। ये मेरा पूरा ये क्या हुआ, किया हुआ है, ये साफ करने के बाद ये मेरे को ऐसा मिल रहा है, राइट। उसके बाद से मेरे को क्या करना है, 30 से 35 kg यहीं से सैंपल लेना है, 35 kg, राइट, हो गया। उसके बाद ये अगर मैं सैंपलिंग करते हुए मेरे पास अगर कोल का साइज जितना भी जाए आपको लेना है, लेकिन सेम स्टोन और सेल दोनों के लिए क्राइटेरिया रहता है, वो अलग अलग जगह का अलग अलग रहता है। मान लो सेम स्टोन आ गया 100 mm का, उसको रखना है कि नहीं रखना है, वहाँ पे इंश्योर होगा, फिर देख के उसको हटाना है कि रखना है, उसको पता करना है। जैसे सेल आ गया 100 mm का, उसको रखना है कि नहीं रखना है, ये वहाँ पे आपको इंश्योर करना होगा, ठीक है। इसके बारे में मैं अभी नहीं बता सकता, अगर मैं बता दूंगा तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये अलग अलग जगह का अलग अलग क्राइटेरिया है, राइट। तो यहाँ से लेना है, फिर 30 kg ले लिए। 30 kg लेने के बाद क्या करते हैं, इसको हम सील करते हैं, सीलिंग करते हैं, फिर और जो हमारे पास जो सिंपल का बैग रहेगा वो क्या रहेगा, एकदम नया होना चाहिए। सिंपल का मतलब ही क्या हो रहा है, मतलब हम एक अच्छे साफ सुथरा कैरी बैग में क्या करते हैं, उसको उठाते हैं, उठाने के बाद क्या करते हैं, उसको सीलिंग करते हैं। सीलिंग कैसे करते हैं, मैं बताया था, ये हमारे पास एक सील होता है, इस सील में ऐसा मॉडिफाई करके बनाया गया है जिसको हम वापस इसको ला नहीं सकते, केवल एक बार सील लगा सकते हैं इसको, फिर दोबारा हमको ब्रेक करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। लेकिन कब तोड़ेंगे, जब हम सिंपल प्रिपेयर करेंगे तब तोड़ेंगे, ठीक है। ये मान लो मेरा कितना भी हुआ है सिंपल, एक सिंपल हुआ कितना नंबर में, एक नंबर में, मैं एफएससी के अकॉर्डिंग ही बात करता हूँ, ठीक है। दूसरा उसके बाद कितना नंबर में हुआ, 9 नंबर में, फिर सेम यही प्रोसेस। मान लो मेरा 6 से 6 में, अभी मैं एफएससी का ही बात करता हूँ, 6 से 6 के बीच में मेरे पास 800 ट्रक चला गया, 800 ट्रक वहां से पास पार हो गया। 800 ट्रक पार होने के बाद क्या कर रहे हैं, हमको कितना से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास कितना सैंपल हो गया, 100 सैंपल हो गया। मान लो 100 सैंपल को हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रिपेयर नहीं करेंगे, एक ही सैंपल माना जाएगा, वो जो 100 बैग का हमारे पास सैंपल है वो एक ही सैंपल कहलाएगा, पूरा फुल डे का, ठीक है। मान लो आज डेट कोई भी रहे, आज के डेट में अगर मैं 800 ट्रक हमारे यहाँ से पार हो रहा है, उसे हम सैंपल ले रहे हैं 100 बैग का, तो उसमें से क्या कहलाएगा, आज ही का एक दिन का इंडिविजुअल एक सैंपल कहलाएगा। उसके बाद उसको कितना केजी हो रहा है, इसको आप जैसे इसमें 30 का गुणा कर दो, मान लो अप्रॉक्सीमेटली 30 लिए हैं, तो क्या हो जाएगा, 30, ये 3000 क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा। ये अलग जब सैंपल प्रिपेयर करेंगे तब की बात है, राइट। लेकिन जितना भी सैंपल रहेगा हमारा क्या रहेगा, एक ही सैंपल रहेगा। और ये हर जगह हम क्या करते हैं, सैंपलिंग एक इंडिविजुअल पॉइंट रहता है लेडर के, इसमें चढ़ने के लिए क्या है, ये इसमें चढ़ नहीं सकते क्योंकि थोड़ा सा क्या रहता है, ऊपर रहता है, हमको सेफ्टी भी देखना है। तो एक इंडिविजुअल क्या बनाया जाता है, सैंपलिंग पॉइंट बनाया जाता है। हर जगह से हमको सैंपलिंग नहीं करना होता है, एक सैंपलिंग पॉइंट रहता है, वहाँ से हमको क्या करना है, ट्रक वहाँ आके लगेगा, वहाँ से आपको सैंपल उठाना है, और तभी उठाना है जब वो क्या हो जाए, तौल हो जाए उसका या कांटा हो जाए, ठीक है। कांटा होने के बाद ही आपको सैंपल लेना है, इसको याद रखना है, क्योंकि वो क्या है, फाइनल हो गया कि उसका वेट हो गया है। वेट इन द सेंस कितना है, मान लो ट्रक है उसका 25 टन, हो सकता है 30 टन मैक्सिमम, ठीक है। उतना ही उसको क्या है, पासिंग मार्क है, क्योंकि क्या है, हाईवे में जाता है तो उसको ओवर लोडिंग का चार्ज देना नहीं पड़ता, तो ये क्या है, वहाँ से एक पास होता है कि उसको पासिंग कितना है, 25 टन का है या 30 टन का है, उसके बाद
ही आपको क्या करना है, सिंपल क्लिक करना है। उससे पहले आपको सिंपल क्लिक नहीं करना है। उसके लिए वो क्या हो जाएगा, एक कांटा रहता है, कांटा से पास होगा, उसके बाद लेडर ही बना जाता है। याद रखिएगा, कांटा के बाद ही लेडर बनाया जाता है, कांटा के पहले लेडर नहीं रहता है। कांटा के बाद कांटा हुआ, फिर लेडर में जाके वो खड़ा होगा, तब आपको सैंपलिंग करवाना है। राइट, सैंपलिंग करवाने के लिए क्या बता दिए, पूरा है ऐसी है, ठीक है। तो इसमें ही आपको, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें केवल 6 पॉइंट दिया हुआ है, मैं इतना आपको डिटेल से जानकारी दे दिया, ठीक है। तो इसमें हमने क्या क्या देखा, एक बार क्विक रीजन करा देते हैं ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। रूल का बात करते हैं तो FSA है, जिसमें केवल रोड सेल के लिए, केवल सैम्पलिंग के लिए 6 ही पॉइंट दिए हैं। अगर इसमें रीमोडिफाई करना है तो आपको MEU, जिसमें ट्रायल पार्टी एकदम क्या होना चाहिए, एग्री होना चाहिए। FSA के अकॉर्डिंग हर 8वां में हमको एक सैंपल लेना है, हर 8 में। जैसे मैं एक ले लिया तो दूसरा हमारा सैंपल कब आएगा, 9 नंबर में आएगा। लेकिन क्या होता है, कभी कभी सैंपल में कुछ गड़बड़ी के कारण क्या होता है, अब एक तो एकदम एक बार आप रेंडम बता दिए तो लगातार क्या हो जाएगा, वो कंटिन्यू चलते रहेगा। तो हो सकता है अच्छा वाला आ जाए, हो सकता है खराब वाला, ये अंदर की बात है। राइट, अगर कोई इनमें क्या चाहता है, मॉडिफाई चाहता है, जैसे 8 में तो लेना है लेकिन इसको रीमोडिफाई 8 में जहाँ से लेना है, जब मन पड़े, मतलब जैसे 2 ले लिया तो 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, ऐसा ले सकते हैं। राइट, जैसे कि आप नया नया, जैसे 7 है, 16 है, 29 है, 39 है, इस प्रकार से, ऐसा आप रेंडम टेबल के अकॉर्डिंग। ये फिर अगर मॉडिफाई होता है तो आपको IS-436 Part 1 का रेंडम टेबल यूज करना है। अगर रेंडम ये अगर स्टार्ट हो गया तो आपको IS-436 Part 1 का, अब उसमें आपको 8 का सबलॉट बनाना होगा। जैसे मैं 60 वेगन था तो 10 का सबलॉट बनाता था, लेकिन इसमें आपको 8 का सबलॉट बनाना है, 8 वेगन का, 8 या ट्रक का 1 सबलॉट बनाना है, उसी में से आपको एक रेंडम चुनना है। राइट, अप डाउन जाओ या लेफ्ट राइट जाओ, कुछ भी करके जाओ। अगर आपको रेंडम टेबल निकालना नहीं आता, उसके लिए भी हम अलग से वीडियो बना देंगे, एक वीडियो पहले से बन चुका है, उसमें हम कुछ और मॉडिफाई करके फिर से बना देंगे। राइट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा रोड सेल का है। लेकिन आपको याद रखना है, इसमें लड़के बहुत गलती कर रहे हैं, क्योंकि इसको एक पॉइंट मान देते हैं। जैसे हम रेक में करते हैं वैसा इसमें बिल्कुल नहीं है, रेक में 1 2 3 हीप बनाते हैं वैसा नहीं है। इसमें जो टॉप रहेगा, ऐसा नहीं है कि बीच ही में बने, कभी कभी किनारे बन जाता है, जो लोडर है वो वेट क्या करता है, लोड करता है। तो जब जहाँ से हीप बनता है वहीं से आपको क्या करना है, सिंपल उठाना है। राइट, अब वहां से क्लियर कितना करना है, 50 बाई 50, 25 सेंटीमीटर। फिर हमको 30 से 35 kg सिंपल लेना है नया बैग में। राइट, सिंपल का मतलब क्या है, ठीक। उसके बाद हमको सील करना है, सील करने के बाद क्या करना है, उसको एक अच्छे जगह में रखना है, और उसके बाद पूरा 6 से 6 तक हमको सैंपल कलेक्ट करना है। जितना सैंपल हो जाए, 100 सैंपल, 150 सैंपल, लेकिन काउंट कितना होगा, वो एक ही सैंपल होगा, क्योंकि ये 3000 kg है, उसको हम कोलिंग क्वार्टरिंग करते करते उसको हम क्या करेंगे, 2 kg तक लाएंगे, फाइनली वही हमारा सिंपल कढ़ाएगा। राइट, ये तो ग्रास सिंपल है, ग्रास सिंपल में हमारा इसका साइज अलग है, 12 पॉइंट, मान लो ये 100 mm है या 250 mm है, इसका साइज डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। राइट, तो इतना पूरा हमारा क्या हो जाएगा, रोड सेल का हो जाएगा, सैम्पलिंग बाई रोड सेल। राइट, तो आज के लिए बस।